तो इफ यू दैन सीन इट सो फार दिस इज़ दफिशियल यू पी एस सी टाइम टेबल फॉर द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव एंड ये टाइम टेबल हर साल यू पी एस सी निकालता है जहाँ पे आपको जो वेरियस एग्जाम्स हैं उसके बारे में पता चलता है तो सिविल सर्विस एग्जाम प्रिलिम्स इफ यू सी इज़ ऑन द ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ मे राइट एक दिन का एग्जाम है ये बट द मेजर डिफरेंस दैट कम्स इन दिस ईयर इज़ दैट सिविल सर्विस एग्जाम दो हज़ार पच्चीस आपका ऑगस्ट में होने वाला है माने कि यू विल हैव वन लेस मंथ टू प्रिपेयर फॉर मेन्स दैन यू एवर हैड बिफोर तो इसके कारण एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास हो जाती है कि इफ़ यू प्रिपेरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर मीनिंग ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव एंड योर समबडी हैज जस्ट स्टार्टेड प्रेपरेशन तो आपके लिए मतलब थोड़ी चीजें डिफ़िकल्ट होने वाली है बट इफ़ योर समबडीज़ ऑलरेडी गिवन प्रबंस बिफोर कुछ तैयारी आपने करी हुई है या योर समबडीज़ ऑलरेडी गिवन मेन्स बिफोर तो इन सच अ केस नाउ बिकम्स अ ग्रेट टाइम फॉर यू टू फोकस ऑन योर मेन्स प्रेपरेशन क्योंकि मतलब लाइक इट और नॉट मेन्स इज एक्चुअली द मेन एग्जाम प्रिलिम्स आपका एक बस फिल्टर टेस्ट है एंड वो फिल्टर टेस्ट कभी कभार क्या होता है वो बहुत ही हमें जीवन में दिक्कत दे रहा होता है बट यू हैव टू रिमेंबर दैट मीन्स इज़ द मेन एग्जाम दैट यू आर गिविंग इन सिविल सर्विसेज़ तो गिवन ऑल दिस इंटरडियस वीडियो विल टॉक अबाउट हाउ टू बी मेन्स रेडी मतलब हम बात करेंगे कि भाई मेन्स रेडी होने का मतलब क्या है एक आइडियल टाइमलाइन के बारे में हम बात करेंगे कि भाई किस तरीके से आप जनरली तैयारी कर सकते हो देन अ प्रायोरिटी लिस्ट दिस प्रायोरिटी लिस्ट विल भी डिवाइडेड इन टू डिफरेंट पार्ट्स

ये सब चीज़ों के लिए क्या करना है इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स बट बिफोर वी गो एनी फर्दर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैव आस्किंग मी लेटली इज शुड आई स्किप 2025 क्योंकि अब ऐसे में क्या होता है ना कि जब प्रेशर इतना बढ़ जाता है तो हमारा दिमाग हमारे साथ माइंड गेम्स खेलने लग जाता है क्योंकि हमें लगता है कि यार मेंस की तैयारी तो है नहीं तो भाई एक और प्रम्स में क्यों बर्बाद करूं एंड लाइक माय माइंड स्टार्ट्स प्लेइंग कि भी आई थिंक आई शुड स्किप दिस अटेम्प्ट इट विल बी फाइन बट प्लीज़ कीप इन माइंड दैट यहाँ पे आप सोच रहे हो कि मैं अटेम्प्ट अपने बचा लूँ एंड एट द सेम टाइम यू आर वेस्टिंग योर यूथ मतलब ये जो ट्वेंटीज़ का आपका टाइम है जो आप सोच रहे हो कि भाई मैं अटेम्प्ट बचा के एक और साल बाद दूंगा वॉट इज़ द गारंटी कि भाई एक और साल बाद 2026 में आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट होगी वॉट इज़ द गारंटी कि भाई उस समय आके आप फिर से अपने आप से यही सवाल नहीं पूछ रहे होगे कि भाई शुड आई स्किप दिस अटैम्प्ट बिकॉज प्लीज़ बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस कि भगदड़ में ही दिए जाते हैं देर इज नो परफेक्ट अटैम्प्ट वी आर ऑलवेज अंडर प्रिपरेशन मतलब अंडर प्रिपेर्ड फॉर गिविंग बोथ प्रिल्मस एंड मीन्स मतलब और टाइम मिलता तो हम बहुत कुछ और कर लेते बट नहीं होता है तो ऐसे में डोंट थिंक अबाउट स्कीपिंग अटैम्प्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्कीपिंग गिव प्रिल्स इवन इफ यू आर नॉट हंड्रेड परसेंट प्रिपेर्ड एंड एक चीज़ ये ध्यान रखो कि भाई बिकॉज यू पुश्ड योर सेल्फ तो यू माइट गिव योर बेस्ट अटैम्प्ट नेक्स्ट ईयर बट अगर पुश नहीं करोगे तो फिर वो अगले साल भी वही कॉन्वर्सेशन हम अपने साथ कर रहे होंगे कि भाई यार एक और साल स्किप कर लेते 2027 में ही देंगे सीधा क्योंकि तब तक सब कुछ हो जाएगा नाउ कमिंग टू एक आइडियल टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो आइडियल टाइमलाइन हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है कि भाई जून टू सेप्टेंबर में हम अपने बेसिक्स कवर कर रहे थे एंड उसके बाद नाव वेयर इन द फेज़ फॉर मेन्स जहाँ पर हम जी एस ये सब्जेक्ट्स या स्पेसिफिक जो जी एस वन एंड टू के सब्जेक्ट्स होते हैं वो कवर कर रहे हैं एस की प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी व डूइंग राइट नाउ एंड देन फेब्रवरी ऑनवर्ड्स वी गो इन टू द प्रिलिम्स फोकस मोड माने कि सिर्फ और सिर्फ हम प्रिलिम्स की तैयारी कर रहे हैं मेन्स को थोड़ा बैक पर ले लिया है एंड देन फाइनली जून टू मेन्स जो कि मतलब अगले साल तीन महीने और लेस देन थ्री मंथ्स होने वाला है देर वे आर फोकसिंग ऑन टेस्ट सीरीज रिविजन एंड वट एवर एल्स इज लेफ्ट बट अब प्रॉब्लम क्या है कि वी आर इन लेस देन आइडियल कंडीशंस आइडियल होता तो भाई बहुत बढ़िया चीज़ है आई वुड स्टार्टेड माई प्रिपरेशन फ्रॉम जून बट नाउ वट डू आई डू नाउ दैट इट इज़ ऑलरेडी अक्टूबर एंड आई हैव टू मेक डू विद वट आई गॉट सो इन सच अ केस एक प्रायोरिटी ऑर्डर है आपका द बेस ऑफ द पिमिड इज ऑब्वियसली द हाइस्ट प्रायोरिटी दैट यू गिव एंड जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं तो उन चीज़ों की प्रायोरिटी यहाँ पर कम होती रहती है नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ देखोगे कि अगर इफ यू आर समबडी जस्ट स्टार्टेड प्रेपरेशन आपने बेसिक बुक्स नहीं करी हैं तो दिस इज योर हाइस्ट प्रायोरिटी माने कि स्टैटिक सब्जेक्ट्स स्टैटिक सब्जेक्ट्स आर योर हाइएस्ट प्रायोरिटी करंट अफेयर्स एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ यू कैन इग्नोर टिल जैन फॉर दैट मैटर क्योंकि जनवरी ऑनवर्ड्स मतलब यूल कम बैक टू करंट अफेयर एनी विच वे एंड देअर ऑन देअर आफ्टर भाई रिविजन भी होगा इसका मल्टीपल टाइम्स आप देखोगे अभी शॉर्ट नोट्स भी कुछ कुछ करोगे बट अभी बेसिक बुक्स भी अगर आपकी कवर नहीं हुई हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी है कि भाई मैं बेसिक बुक्स कर लूँ बेसिक बुक्स कहाँ क्या है मतलब ऑल ऑफ दिस आईव शेयर इन अनादर वीडियो डिटेल में आप वो देख सकते हैं बट राइट नाओ बिकॉज लेस देन आइडियल कंडीशंस में हम हैं तो इफ यूर सम्बडी हुट स्टार्टेड प्रेपरेशन यू वुड ऑल्सो वॉन्ट टू गेट सम मेन्स परस्पेक्टिव ऑन दोज बेसिक्स तो यहाँ पे थोड़ा आपको ट्रबल हो सकता है क्यों क्योंकि आप जब शुरू ही कर रहे हो तो गेटिंग दैट मेन्स पर्स्पेक्टिव कैन बी स्लाइटली डिफिकल्ट बट आई टॉक्ट अबाउट दिस एट लेंथ इन अनादर वीडियो इन टू अदर वीडियोज एक्चुअली तो एक ये यू पी एस सी मेन्स का रिसोर्सेज वाली वीडियो है यू कैन चेक दैट आउट यहाँ पे सारे uh, मेन्स के जो रिसोर्सेज हैं जो बुक लिस्ट है मतलब अपार्ट फ्रॉम प्रिल्मस का है तो फिल्म्स के लिए भी एक स्पेसिफिक ऐसी मैंने वीडियो बनाई है वो दोनों वीडियोज़ आप चेक कर सकते हो देर इज अ लॉट ऑफ कॉमन सेवेंटी टू एटी परसेंट जो आपका जी आ रहा है प्रिलिम्स में वो पूरा का पूरा मेंस के लिए भी रेलिवेंट है जो ट्वेंटी परसेंट नहीं रहता वो इसलिए होता है क्योंकि प्रिलिम्स में आपको फैक्ट्स ज़्यादा हैवी याद रखने होते हैं मेंस में आपको अनालिस ज़्यादा करना होता है तो अप्रोच कैसे बदलेगा नए सोर्सेज क्या आएंगे ये दो वीडियोज़ में आप देख लोगे एट द सेम टाइम दर इज ऑल्स दिस वीडियो कि भाई मेन्स की तैयारी को आप प्लान कैसे कर सकते हैं एक बहुत बेसिक प्लान मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी शेयर किया है यू कैन यू नो टेक दैट आप और मेक योर ओन प्लान अकॉर्डिंगली बट द आइडिया हेयर इज कि ये हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर है प्रायोरिटी ऑर्डर माने मोस्ट इंपॉर्टेंट वन टू थ्री स्टार दिस इज टू स्टार दिस इज वन स्टार एंड दिस इज ये सब हो गया उसके बाद मेरे पास अगर समय बचता है तो मैं ऑप्शन की तैयारी करूँगा उसके बाद मेरे पास समय बचता है तो फिर मैं मेन्स के पी प्रैक्टिस भी कर लूंगा राइट right. प्रिलम्स के पी वाई क्यूज यहाँ पर मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज एनी विच वे आफ्टर जनवरी फेबर यू विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ प्रिलम्स पी वाई क्यूज दिस इज फॉर द पीपल हु आर गिविंग देयर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट एंड उनको कोई आइडिया नहीं है क्या करना है कैसे करना है राइट right.

बहुत बार हमें लगता है कि भाई मेरी तरफ से मैंने बेस्ट आंसर लिख दिया है बट वो मैं अपनी तरफ से बेस्ट आंसर लिखा है एंड अपनी तरफ से बेस्ट आंसर लिखने में क्या होता है आई हैव अ लॉट ऑफ बायसेज एंड यू नो एरियाज दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ बिकॉज ऑफ विच मैं घटिया आंसर लिख रहा हूँ फॉर द वेरी सिंपल फैक्ट एंड आई डोंट इवन नो हाउ इट इज बैड तो हाउ टू यूज अ मेन स्टेट सीरीज इस वीडियो में डिस्कस दैट इन क्वाइट बिट डिटेल कि भाई किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग को देखना है एंड ओवर ही स आंसर क्राफ्ट की हमारी वर्क बुक है विच आई एल ऑल्सो भी शेयरिंग ऑन द टेलीग्राम चैनल अलॉन्ग विथ दिस वीडियो कि भाई आप टेलीग्राम चैनल पर अगर आप जाते हो तो यू विल गेट आंसर क्राफ्ट जी एस वन की जो हमारी वर्क बुक है तो इस वर्क बुक में क्या है कि हमने बहुत सारी जो चीजें हैं आंसर राइटिंग की उसको बहुत ही सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन किया हुआ है कि भाई

कहाँ पे था वेन आई स्टार्टेड इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर मी टू सी हाउ फार आई हैव कम एंड इन दिस जर्नी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू यू नो कीप अ ट्रैक ऑफ हाउ फार आई हैव कम क्योंकि बहुत बार आपका मोटिवेशन लूज होगा आप ठंडे पड़ जाओगे एंड दैट्स एब्सोल्यूटली नॉर्मल इन सच टाइम्स इट बिकम्स ईजियर इफ़ यू रिमाइंड योर सेल्फ कि भाई देखो शुरू कहाँ किया था आज कहाँ खड़े हैं और आगे जाना है ठीक है बट लाइक यू नो आई एम फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी परसेंट द वे ऑलरेडी ओवर देयर सो दी सोर्ट्स ऑफ थिंग्स आर वेरी हेल्पफुल नाथ देर इज अनाथ द वीडियो दट आई मेड आई थिंक मंथ ऑर टू अ गो जहाँ पे ए आई टूल्स को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो यूपीएससी प्रपरेशन में स्पेशली फॉर मेन्स आईव शेयर इन दिस वीडियो मतलब काफी अच्छे से हमने देखा इसमें कि भाई मतलब लेट्स फॉर एग्जाम्पल जीएस वन में सोसाइटी के लिए सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं हम तो कैसे सेक्युलरिज्म को डिफाइन करना है वोटर द डिफ्रेंट काइंड ऑफ सेक्युलरिज्म तो उस परप्लेक्सिटी चैट जी पी टी या गूगल किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो इट्स अ वेरी गुड वीडियो इफ यू वॉन्ट टू हैव इन्फॉर्मेशन इन योर आंसर्स विच मेक्स योर आंसर्स स्टैंड आउट क्योंकि ये बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मेरे को आंसर लिखना है बट आई डोंट नो हाउ आई विल स्टैंड आउट हाउ आई विल डिफरेंशिएट माई आंसर तो दिस वीडियो कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल फो यू फॉर डूइंग दैट एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द प्रायोरिटी ऑर्डर अगेन फॉर पीपल हु आर गिविंग द फर्स्ट अटैम्प्ट इन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू मेटेन योर सैनिटी इट इज गोइंग टू बी वेरी हार्ड मतलब सही में आसान नहीं होने वाला है क्योंकि देखो अगर अभी से शुरू कर रहे हो तो पीपल प्रिपेयर फॉर दिस सिंस जून तो नाउ प्लीज कीप दिस इन माइंड कि क्लियरिंग द एंटायर एग्जाम मीनिंग फाइंडिंग योर नेम इन द फाइनल रैंक लिस्ट इज गोइंग टू बी क्लोज टू इम्पॉसिबल इट इज नॉट इम्पॉसिबल कंप्लीटली क्योंकि देखो देर इज ऑलवेज अ चांस बट इट विल बी क्लोज टू दैट क्योंकि अभी अगर आपने कुछ नहीं किया है आपने ऑप्शन नहीं किया है आपने मीन्स नहीं किया मीन्स तो छोड़ माला आपने प्रम्स के लिए बेसिक बुक्स भी नहीं करी हैं सो देन यू नो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी हार्ड एंड इन सच अ केस द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वी फेस इज़ कि भाई मेरा मेंटल सैनिटी मैं कैसे मेंटेन करूँ क्योंकि मुझे बार बार ये लगता रहेगा कि भाई ये होगा कि नहीं होगा क्या होगा क्यों होगा कि करूँ नहीं करूँ मेंटेन योर सैनिटी दट इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड देन फोकस ऑन द बेसिक सब्जेक्ट्स बेसिक सब्जेक्ट्स मान्य हिस्ट्री पॉलिटी इकॉनॉमी एनवायरमेंट ज्योग्रफी जो जीएस के बेसिक सब्जेक्ट हैं सबसे पहले उनपे आपको फोकस करना है यहाँ पे करंट अफेयर्स यू कैन इग्नोर अगैन इग्नोर टिल जैन तो जनवरी तक अगर आप करंट ये जैन बार बार मेरे पीछे चला जाता है इग्नोर टिल जैन करंट अफेयर्स इफ यू डोंट डू राइट नाउ इट विल बी फाइन बट आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप ऑप्शनल का एक पेपर एटलीस्ट मतलब कर लो एक पेपर करने का मतलब है लेट्स ए फॉर एग्जाम्पल आई टेक सोशियोलॉजी ऑप्शनल सोशियोलॉजी में आपने पेपर वन अगर कर लिया पेपर वन में भी थिंकर्स आपने काफी अच्छे से कर लिया बाकी सब चीज अगर आपने ठीक से भी नहीं करी तो भी चलेगा क्यों क्योंकि दिस विल रिड्यूस द बर्डन दै यू विल फेस पोस्ट प्रब्लम्स बिकॉज अगेन इफ यू गिविंग योर फर्स्ट अटैम्प्ट इन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव योर जस्ट स्टार्टिंग प्रेपरेशन इज गोइंग टू बी हार्ड राइट ये फर्स्ट बेसिक सब्जेक्ट्स आपके हो जाएं ऑप्शनल का एक पेपर आपका हो जाए उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है यू शुड ऑल्सो स्पेंड सम टाइम ऑन जी एस थ्री एंड फोर माने कि इंटरनल सिक्योरिटी डिजास्टर मैनेजमेंट ऑल दो सोट्स ऑफ थिंग्स एंड एथिक्स प्रायोरिटी ऑर्डर है कि भाई अगर मैंने बेसिक्स कर लिए हैं देन मैंने ऑप्शनल का एक पेपर कर लिया तो फिर मैं स्ट्रेस लूंगा कि भाई जी एस एंड फोर करना है अगर पहले दो नहीं हुए हैं तो जी एस एंड फोर को भूल जाओ भी बाद में हम उस पर आएंगे राइट नाउ कमिंग टू पीपल हु फेल्ड इन फिल्म ट्वेंटी ट्वेंटी फोर माने कि आपने कुछ अटैम्प्ट किया हुआ है कुछ चीज़ें आपने करी हुई हैं तो राइट नाउ विल बी अ ग्रेट मेन्स हैवी प्रेपरेशन फेज फॉर यू आप भी इग्नोर कर सकते हैं करंट अफेयर्स को फॉर नाउ बट मेन्स हैवी माने कि मैं जी एस के मेरे जितने सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए मैं अपने नोट्स एंड माई जॉब शुड बी माई हंड्रेड परसेंट कंप्लीशन फॉर ऑल जी एस हंड्रेड परसेंट तो चलो मतलब इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल विद सिविल सर्विसज नाइन्टी टू नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ जी एस नाइन्टी टू नाइन्टी फाइव मैने की आई हैव डन इंटरनल सिक्योरिटी आई हैव डन डिजास्टर मैनेजमेंट आई हैव डन गवर्नेंस आई हैव डन इंडियन सोसाइटी आई हैव डन एथिक्स एंड देन आई हैव ऑल्सो प्रैक्टिस अ लिटिल बेट ऑफ एस ए तो ये सब चीज़ अगर प्लान करने में आपको थोड़ी हेल्प चाहिए तो अगेन लाइक आई सेड यू कैन चेक आउट दिस वीडियो जहाँ पे यू नो ट्वेल्व थर्टीन वीक प्लान मैंने दिया था जो कि वेरी हेल्पफुल फॉर हाउ डू यू लुक इन टू द फ्यूचर फॉर मेन्स प्रेपरेशन किस टाइप पे क्या चीज़ करनी है दिस वॉज अ प्लान दैट वॉज ऑब्वियसली गियर टूवर्ड्स पीपल गिविंग मेन्स दिस ईयर बट आप वो वीक वाला जो टेम्पलेट है उसको उठा के अपनी तैयारी के लिए अभी भी लगा सकते हो थर्टीन वीक्स फोर्टीन वीक्स यू कैन स्पेंड ओवर हि नाओ आफ्टर ऑल दैट आफ्टर ऑल दैट योर ऑप्शन शुड बी सेवेंटी टू एटी परसेंट डन मतलब अगर आप ऑलरेडी एक फिल्म दे चुके हो कुछ जी एस की तैयारी आप ऑलरेडी कर चुके थे तो अभी जी का तो मैं 90 95 परसेंट चाहूंगा कंप्लीट कर लूं बट ऑप्शनल भी मैं चाहूंगा कि भाई एक पेपर से ज्यादा थोड़ा मैं कर लूं 70 टू एटी परसेंट मीन्स की आई मेड समेस हंड्रेड परसेंट वुड बी कि आई एव कवर्ड एटलीस्ट बोथ पेपर्स रिवीजन आंसर राइटिंग वो सारी चीजें ऑब्वियसली हमें करनी है वंस दिस इज डन राइट प्रायोरिटी ऑर्डर अगेन आपके पास भी है मुझे मेंस के सारे जीएस सब्जेक्ट्स पहले करने हैं करंट अफेयर्स में इग्नोर कर सकता हूं आई एम अज्यूमिंग सिंस यू गेव प्रस बिफोर तो कुछ ऑप्शनल आपने नहीं किया होगा नहीं किया तो देन ऑप्शनल बिकम्स योर ऑप्शनल थोड़ा ऊपर प्रायोरिटी आपकी आ जाती है कि राइट नाउ इज अ ग्रेट टाइम फॉर यू टू कवर योर ऑप्शनल क्योंकि बाद में इसके लिए समय नहीं मिलेगा जनवरी ऑनवर्ड्स ऑनवर्ड ऑब्वियसली स्टार्ट गेटिंग यू नो स्ट्रेस्ड आउट अबाउट फिल्म तो राइट नाउ इज अ ग्रेट प्लेस फॉर यू टू डू ऑप्शनल एंड वंस दिस

कीप इन माइंड कि नोट्स एंड पी वाई क्यूज गो हैंड इन हैंड क्योंकि मैं नोट्स किस चीज़ के बनाऊंगा ये मुझे पी वाई क्यू से पता चलेगा पी वाई क्यूज में बार बार देख रहा हूँ ताकि मैं अपने नोट्स से जो भी टाइप ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं उनको सॉल्व कर पाऊँ फाइनली फॉर पीपल हु हैव गिवन गिन्स बिफोर फॉर यू इट कुड बी समबडी यू नो हु जस्ट मीन्स ट्वेंटी ट्वेंटी फोर और इट कुड बी समबडी हुफोर लाइक फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली पुणे में हमने एक मीटअप किया था तो पुणे मीटअप में वी मेट कपल ऑफ पीपल जिन्होंने 2022 में मेंस में दिया था एंड उसके बाद से नहीं दिया था ऑफ देम हैड गिवन मेंस 2024 तो इन सच अ केस योर मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब इज़ टू फाइंड द वीक एरियाज फर्स्ट आपके वीक एरियाज़ हैं कुछ ना कुछ इट माइट बी कि भाई आपकी राइटिंग स्पीड ठीक नहीं है इट माइट भी कि आपने जी के सारे सब्जेक्ट्स नहीं किए हैं इट माइट बी दैट यू डिड नॉट स्पेंड टाइम ऑन ऑप्शनल एट ऑल बट गिवन द फैक्ट कि आपने प्रलम्स क्लियर किया है तो आई नो कि भाई जी में कुछ लेवल आपका होल्ड है

स्कोर चाहिए इन ऑल पेपर्स एंड इफ आई एम बिलो एवरेज इन सम एरिया एंड इट्स एब्सोल्यूटली नॉर्मल टू बी बिलो एवरेज इन सम एरियाज आपका फर्स्ट मेंस था या आपने पहले मेंस दिया था तो वो चीज़ रहती है तो यहाँ पे एवरेज आउट करना है कैसे पी वाई क्यूज़ के थ्रू कि भाई मेरे को अगर जी एस थ्री में बार बार प्रॉब्लम आ रही है तो आई वॉन्ट टू ट्राई एन अटेम्प्ट लॉट ऑफ पी वाई क्यूज़ आई वॉन्ट टू गेट थ्रू अ टेस्ट सीरीज एंड आई वॉन्ट टू फिगर आउट कि भाई इस एरिया में गैप कैसे मैं फुलफिल करूँ वो गैप फुलफिल करने के लिए आप दस चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो यू कैन जॉइन अ कोर्स कोई टेस्ट सीरीज कोई मेंटरशिप प्रोग्राम समथिंग 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 और मे बी इट इज़ जस्ट दैट यू डिड नॉट हैव द राइट अमाउंट ऑफ नोट्स टू यू नो हेल्प यू आउट ड्यूरिंग योर एग्जाम बट फॉर ईच इंडिविजुअल दिस विल बी डिफरेंट राइट तो अपने वीकनेसेस को मुझे एवरेज आउट करना है एंड एट्टी परसेंट मेरा नोट्स का कंप्लीशन कायदे से रहना चाहिए फॉर बोथ ऑप्शनल प्लस जी एस एंड फॉर यू टिल डिसम्बर द रेस्ट इज प्रैक्टिस कि भाई घिसते रहो लगाते रहो कोई और काम नहीं है कुछ और नहीं देखना है कुछ और नहीं करना है बिकॉज इन दी एंड मेन्स इज द मेन एग्जाम एंड डू रिम्बर मीन्स दिया है नहीं दिया है क्या है अटैम्प्ट भगदड़ में ही दिए जाते हैं परफेक्ट अटैम्प्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है सो दैट वी ऑल फोर टूडेज वीडियो ऑल द बेस्ट ऑन योर यू पी एस सी जर्नी